नमस्कार दोस्तों, बी एस ए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के आप लोग के इस यूपी ट्रिपल से लोअर पीसीएस की क्लास में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल आज हम यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर का 2015 का फुल पेपर डिस्कस करेंगे। तो हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है जो कि कनिष्ठ साहित्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। यदि आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके रिगार्ड आप लोग को डेली इंपॉर्टेंट वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। तो फिलहाल देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। आपको यहां पर यह बताना कि हिंदी भाषा जो किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए हिंदी भाषा की लिपि आप लोग जानते हैं जैसा कि यह है देवनागरी लिपि। करेक्ट आंसर होगा आपका यहां से सी वाला। बाकी दोस्तों मैं और भी आपको बताता हूँ, जैसे कि ब्राह्मी लिपि से जो है गुप्त लिपि का विकास हुआ है, ब्राह्मी लिपि से जो है गुप्त लिपि का विकास हुआ है, पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और ब्राह्मी जो लिपि है ऋग्वेद की लिपि है। ये क्वेश्चन कई बार आप लोग एग्जाम में आता है कि ब्राह्मी लिपि जो है ये दोस्तों आप लोग के किस वेद की लिपि है, तो ये फिलहाल ऋग्वेद की लिपि है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो देखिए पढ़ते समझ में आ गया स्वर कौन सा नहीं है। ये आपको डी वाला दे रखा है, ये फिलहाल चा वर्ग का पंचम अक्षर है, इसलिए आपका ये स्वर आप लोग का जो है स्वर नहीं है। बाकी आप लोग के सारे स्वर दिए गए हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे तो बताइए दोस्तों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सर्वनाम जो है आपको भी पता है छह प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है आपका पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा होता है निश्चयवाचक, चौथा है आप लोग का अनिश्चयवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा होता है संबंधवाचक। तो सर्वनाम आप लोग के छह प्रकार के होते हैं। चलिए फिर अब देखते हैं आप लोग का अगला प्रश्न आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? देखिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और यहाँ पर आपको जो शब्द दिया गया तेज, तेज शब्द क्रिया विशेषण है, जबकि बुद्धिमान मीठा ये गुणवाचक विशेषण है, पहला जो है कर्म सूचक विशेषण है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आएगा आपका ए वाला, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर ये है शब्द क्रिया विशेषण। अब देखते हैं फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। देखिए हमेशा जो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पौधा, पौधे हो सकता है, पुस्तक का पुस्तके, सहायता का साहित्य, या फिर सहायताएं नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपका सी वाला जो है ये हमेशा एक वचन में ही रहने वाला, जबकि पौधा, पुस्तक, लड़का, लिंग, वचन, कारण के आधार पर बहुवचन में प्रयोग किया, जैसे कि पौधा का पौधे, पुस्तक का पुस्तके, लड़का का लड़के, बट सहायता का साहित्य नहीं होता। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। अब देखते हैं फिलहाल 11 से लेकर 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखिए वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन करना है जिसकी आशा ना की गई हो। देखिए जिसकी आशा ना की गई इसको बोलते हैं अप्रत्याशित। तो आपका यहाँ से बी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब होता है आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक का मतलब होता है आशातीत। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पृथ्वी के तीनों ओर से पानी वाला स्थान, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, इसको आप लोग क्या कहेंगे? देखिए पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान ये कहलाता है प्रायद्वीप। ठीक है, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। पानी के बीच उथले उथले छोटे स्थानों को द्वीप बोलते हैं। फिलहाल इसका आंसर तो आपका बी वाला है, लेकिन अगर द्वीप की बात करें, द्वीप का मतलब क्या होता है? पानी के बीच उथले उथले छोटे छोटे स्थान होते हैं उनको द्वीप कहा जाता है, जबकि पानी के बीच में बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि प्रायद्वीप की बात करें तो महाद्वीप है, प्रायद्वीप की बात करें तो भारत हो गया, महाद्वीप की बात करें तो एशिया ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, और अगर द्वीप की बात करें तो ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये हो गया आप लोग का द्वीप। चलिए फिलहाल अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जिसके पास कुछ भी ना हो। देखिए जिसके पास कुछ भी ना हो वो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं अकिंचन। ठीक है ना, जिसके पास कुछ भी ना हो वो अकिंचन है। जो जीता ना जा सके अजय, ठीक है, जिस पर आक्रमण ना किया हो वो होगा अनाक्रांत, और जो कानून के विरुद्ध वो है आप लोग का अवैध। तो फिलहाल यहाँ से तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये आपका बी वाला आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विविधतापूर्ण भाषण, इसे क्या बोलते हैं? तो आप सभी को यहाँ पर ये बताना है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विविधतापूर्ण भाषण, देखिए इसको बोला जाता है अभिभाषण। ठीक है, विशेष अवसर पर विशेष लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विविधतापूर्ण भाषण, इसको बोलते हैं अभिभाषण। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और दो लोग या फिर उससे अधिक लोगों के बीच जो वार्तालाप होता है उसको बोलते हैं संभाषण। ये संभाषण आपको दिया गया, ये है दो लोग या फिर उससे अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, ये आप सभी के सामने, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों? आदि से अंत तक यहाँ से आपका आएगा ए वाला, आदोपांत। ठीक है, आद्योपांत, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका फिलहाल ए वाला होगा, आदि से अंत तक आदोपांत। जहाँ से कोई जीव की शुरुआत हो उसको बोलते हैं आदि। ओके, और बाकी दोस्तों दिगंत और अंतिम ये समानार्थी शब्द हैं। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 में आपको दिया गया एक पूरा
वाक्य दिया गया है पंक्तियों में पहली और तीस अंतिम में, और एक से लेकर छह तक संख्या आपको दी गई है। बीच में आप लोग के चार जो है उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे दिया गया एक, फिर आपको लास्ट में दिया गया देश है। अब ये बीच में आपको यार आ लाभ आए, इनको स्पष्ट करना है। तो बताइए करेक्ट आंसर यहाँ से स्पष्ट करने का आपका क्या आएगा। देखिए, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिष्ट ही देश है। तो सबसे पहले आपका आएगा वा, फिर आएगा या, फिर है ला और रा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर इसका भी सी आ रहा, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए क्या होगा, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिष्ट ही देश है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। ए राकेश यहाँ आओ, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए पढ़ते समझ में आ गया होगा यहाँ पर आप लोग का संबोधन, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला आएगा, जहाँ पर भी आपका हे, ए, ओ, अरे इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर आप लोग का संबोधन कारक होता है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। सीमा कुत्ते से डरती है, कुत्ते से डरती है ना, तो कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पर आप लोग का अपादान कारक होगा, जैसे कि भय रक्षा के भाव में अपादान कारक होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ से ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये आप सभी के सामने। देखिए 1920 में आप लोग को शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, हर एक को दो दो पुस्तकें दीजिए, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें दीजिए। देखिए यहाँ से पढ़ते समय आप लोगों का कौन सा बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल शुद्ध दिया गया। तो शुद्ध वाक्य आप लोग का सिर्फ ये है, प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए। तो बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन 20 नंबर। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, अनुत्तीर्ण होने की आशा है, या फिर आशंका है? देखिए उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा डी वाला, जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है। अब 21 से लेकर 25 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्प वर्तनी दी गई है, तो सही वर्तनी वाला आपको पता है। देखिए पृथ्वी कैसे लिखा जाता है, जो सही जवाब होगा आप लोग का बी, बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों अब आप लोग बताइए कौतूहल कैसे लिखा जाता है, तो कौतूहल कैसे लिखा जाता है फिलहाल ये है आप लोग का बी वाला, कौतूहल जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, ये है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध। रासायनिक बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा 23 में, ये आप लोग का बी वाला सही हो जाएगा रासायनिक में। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन अष्ट, देखिए कौन सा बिल्कुल सही दिया गया है, अष्ट, अष्ट होता है या फिर अष्ट होता है, कुछ लोग अष्ट बोलते हैं और कुछ लोग अष्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ से आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब आप लोग को यहाँ पर ये बताएं त्रिदोष, त्रिदोष जो है वो कैसे लिखा जाता है। देखिए त्रिदोष की अगर हम बात करें तो आप लोग को डी वाला जो ऑप्शन दिया गया बिल्कुल करेक्ट है, त्रिदोष जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आप लोग का ये होगा त्रिदोष। अब देखते हैं फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है जिसमें आप लोग को तत्सम बताना है। तो देखिए तेल, तैल, तिल या फिर तील, तो इसमें बताइए दोस्तों तत्सम क्या है। इन शब्दों में आप लोग को तत्सम शब्द की पहचान करनी है। देखिए तैल जो है वो आप लोग का तत्सम है, जबकि तिल, तेल ये तद्भव है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका बी वाला। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 27, गाय, गौ, गे, गैया, तो देखिए यहाँ से आपका कौन सा तत्सम होगा, तो गौ गाय का तत्सम है, जबकि गैया जो है एक देशज शब्द है और गाय जो है ये आपका तद्भव शब्द है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ये आएगा गौ। अब देखते हैं फिर आपका अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28 से 30 में क्या है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना। अब देखिए पूरा वाक्य दिया गया जो कि चार पार्ट में अलग अलग आपको ए बी सी डी पार्ट में दिया गया है, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है ये आप लोग को बताना है, किस भाग में त्रुटि है। देखिए समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो दोस्तों पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि समय के सदुपयोग द्वारा, समय का नहीं समय के सदुपयोग के द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो यहाँ पर का के स्थान पर समय के आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में ही आप लोग के जो है त्रुटि है, तो का की जगह पे आपका आ जाएगा के, समय के सदुपयोग के द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। चलिए फिलहाल तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर किस वाक्य में त्रुटि है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह कार्य किया है। देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य अगर हम बात करें तो देखिए उसने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तो तुमने के स्थान पर यहाँ पर उसने आएगा, ठीक है ना। तो आपके यहाँ से ए पार्ट में आप लोग का जो है त्रुटि दी गई है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे, तुलसीदास ने अनेक अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर किस भाग में गलती है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया अनेकों ग्रंथ, ठीक है ना, अनेकों नहीं होता अनेक होता है, तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे, तो आपका सी भाग में जो है त्रुटि दी गई है।
इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 से 33 में। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए मुख्य शब्द के चार अर्थ दिए गए हैं, तो आप लोग को सही अर्थ का चयन करना। देखिए रंग भवन, रंग भवन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है यहाँ पर नाट्य ग्रह, ठीक है ना, नाट्य ग्रह का मंच स्टेज, इसको रंगमंच बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 31 का, ये होगा आपका सी वाला नाट्य ग्रह। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिघात। तो बताइए दोस्तों प्रतिघात का क्या होगा यहाँ से, तो प्रतिघात का अर्थ होता है चोट के बदले चोट, चोट के बदले चोट, ये होता है प्रतिघात। हत्या मतलब होता है हाथ से प्राण लेना। चलिए अब आप लोग बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया त्रिकालज्ञ। देखिए त्रिकालज्ञ का क्या होता है, तीन समय का, तीनों समय होने वाला, कालतीत या फिर सर्वज्ञ। देखिए त्रिकालज्ञ की बात करेंगे तो तीनों कालों का ज्ञानी अर्थात सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा आपका डी। अब देखिए फिलहाल क्वेश्चन में 34 में क्या, ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, तो इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, तो इसमें जो है आप लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए मैंने पहले भी पहचान आपको बताई थी कि जिन वाक्यों में जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, ज्यों आदि वाचक शब्द आए तो वहां पर आप लोग का उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर दिया गया, ज्यों शब्द दिया गया, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखते हैं फिर आपका अगला क्वेश्चन, निज दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में जो है किस रस का वर्णन किया गया, निज दिन बरसत नैन हमारे, तो देखिए निज दिन बरसत नैन हमारे, तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है और वियोग श्रृंगार है। इसमें जो है प्रेमिका, ठीक है, अपने प्रेमी के विषय में सोचकर उसके नैन से प्रतिदिन आंसू की बरसात हो रही है, जहाँ पर हृदय में उत्साह उत्पन्न होकर, ठीक है, वहाँ वीर रस होता है, जहाँ पर हृदय में उत्साह हो तो वहाँ पर वीर रस होता है। यहाँ पर लेकिन क्या है, प्रेमिका अपने प्रेमी के विषय में सोचकर उसके नैन से प्रतिदिन जो है आंसू की बरसात हो रही है, तो जो आप लोग का रस है वो आपका श्रृंगार रस होगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ से आपका डी वाला। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए अब आपको बताने किस रस को रसराज कहा जाता है, तो रसराज जो है श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ से ए। अब देखते हैं फिर आपका अगला क्वेश्चन, रूल से रिलेटेड है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। अब देखिए कोई जो है क्या है यहाँ पर दोस्तों, कोई जो है रेखांकित शब्द क्या है, फिलहाल यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। और सार्वनाम विशेषण जो है सर्वनाम की संख्या 11 होती है, जिसमें आप लोग के मैं, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो या फिर सो, ये सारे शब्दों की जो संख्या टोटल 11 है, इनको ध्यान रखिएगा, ये है आप लोग के सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करें तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, जैसे कि वह भरपेट भोजन किया, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं फिलहाल आपका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपका सी वाला होगा। अब देखते हैं 38 नंबर, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय जो है स्थायी भाव किस रस में होता है, तो ये होता है अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है, ये होता है आप लोग का विस्मय। हास्य का होता है हास, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, शम, वैराग्य, और विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी कि घृणा। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसके चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका आएगा फिलहाल सी। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अब विलोम शब्द बताना, उपकार का विलोम क्या होगा, उपकार का विलोम होता है अपकार। अनिवार्य का विलोम, देखिए अनिवार्य की अगर हम बात करेंगे तो यहां से वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों ही आ सकते हैं, और अपरिहार्य का परिहार्य होता, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ओके चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विस्तृत, विस्तृत का जस्ट अपोजिट क्या होगा, ये हो जाएगा संक्षिप्त। विस्तृत का जस्ट अपोजिट क्या होगा, संक्षिप्त होगा। इसका देखिए उद्यम का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका अपोजिट होता है दोस्तों, यहाँ से उद्यम का विलोम होगा आलस्य, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला, ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मुख, उन्मुख का दोस्तों अपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, उन्मुख का विलोम होता है विमुख, सन्मुख विमुख का समानार्थी शब्द है, और प्रमुख का विलोम गौड है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, उन्मुख का क्या होगा, ये आपका होगा विमुख। इसके बाद देखते हैं 46 से लेकर 48 में आपका संधि विच्छेद करना, जैसे कि रूपांतरण, तो रूपांतरण में क्या होगा दोस्तों आप लोग का क्या आएगा, ये आएगा रूप प्लस अंतरण, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ए वाला। यहाँ पर आप लोग की दीर्घ संधि है, ठीक है ना, जब छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बनाते हैं तो वहाँ पर आप लोग की दीर्घ संधि होती है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, दुराशा, देखिए दुराशा की बात करें तो ये होता है दुहु प्लस आशा, दुहु प्लस आशा, तो जो सी वाला ऑप्शन जिसका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर आप लोग की विसर्ग संधि है। चलिए अब देखते हैं आपका मनोयोग,
मनोयोग क्या क्या होता है, मनहा प्लस योग, मनहा प्लस योग, यहाँ पर भी आप लोग की विसर्ग संधि होगी। चलिए फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन 49, पौ प्लस अन को संधियुक्त करने के क्या रूप है। देखिए पौ अन प्लस, पौ प्लस अन को संधियुक्त करने पर क्या रूप बनता है, तो देखिए ये बनता है आप लोग का फिलहाल पावन, ठीक है ना। पौ प्लस अन होता है पावन, जब अ प्लस आ मिलकर आपका आप बनाते हैं तो यहाँ पर आप लोग की आयादी संधि होगी। कौन सी संधि है यहाँ पर फिलहाल आप लोग की आयादी संधि है। शंकर शब्द का अर्थ क्या है, देखिए शंकर शब्द का मतलब इतना ही है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द आप लोग का संकर कहलाता है, जैसे कि रेलगाड़ी, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था ये सारे आप लोग के संकर शब्द हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगर आप लोग को आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आप लोग को कंप्लीट करा दिए जाएंगे, उसके बाद अलग से आप लोग के साथ हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अलग से आप सभी के साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बेसिक ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।